उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। टुडे वी मेक बिरयानी, हम आज बिरयानी बना रहे हैं। तो ये मैंने दो प्याज लेके उन्हें चॉप करके उनको गोल्डन ब्राउन कर लिया। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इंतहाई सिंपल और कम वक्त में आपको बिरयानी बनाने का तरीका सिखा दूं, क्योंकि अक्सर लोग बिज़ी होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। तो हम जितनी सिंपल से सिंपल रेसिपी बनाएंगे और आसान बनाएंगे, उतना ही हमारा टाइम सेफ होगा। तो ये मेरे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास मीट है, ये बिरयानी मसाला और ये योगर्ट। ये हम चार चीज़ें, प्याज, मीट, बिरयानी मसाला और योगर्ट इस्तेमाल करेंगे। अब मैं बिरयानी मसाले अनियन में मीट ऐड करूँगा। साथ ही मैं ये बिरयानी मसाला आपको कहीं भी, हाँ, किसी भी एशियन शॉप से इजीली अवेलेबल होगा, आप ले सकते हैं। आपको मालूम भी होगा ये हमारा मीट, और साथ में ही ये मैं इसमें योगर्ट ऐड कर रहा हूँ। हम इसे थोड़ी देर भूनेंगे, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी लगा देंगे, और जब ये गोश्त गल जाएगा तो फिर हम इसे चावलों से दम देके हमारी इजी बिरयानी रेडी हो जाएगी। अच्छी तरह मैंने हर चीज़ मिक्स कर ली है। अब हम इसमें बस थोड़ी देर में पानी ऐड करते हैं। अब हमने ये हमारा बिरयानी का मसाला रेडी हो गया। अब हम इसमें ये पुदीना, धनिया, मिंट, कोरिएंडर, और ये एक ये हम थोड़े से चिप्स हैं इसमें, ये भी डालेंगे, और ये बॉयल चावल हमने इस बिरयानी के लिए कर लिए। तो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता करके ये चीज़ें मिक्स करता हूँ। ये दोनों चीज़ें, मिंट एंड कोरिएंडर, और ये अब हम चिप्स डालेंगे, फ्रेंच फ्राइज। ये भी एक, बच्चों को आलू पसंद होते हैं तो बच्चे इस तरह। अब ये मैं इसके ऊपर दम देने के लिए चावल, ये हमारी बिरयानी रेडी है। बस अब हमें इसको दम देना है। मैंने ये मूवी थोड़ी सी शॉर्ट कर की है ताकि देखने वालों का टाइम कम से कम खर्च हो। मेरी कोशिश है कि हम स्मार्ट वर्क करें, ना कि हार्ड वर्क। ये थोड़ा सा मैंने कहा ऑरेंज कलर, इससे बिरयानी का कलर एक ब्रेफ आ जाएगा। ये बिरयानी को हमने दम दे दिया। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम दे रहे हैं, फिर उसके बाद
आपको हम डिश आउट करके दिखाते हैं। ये हमारी बिरयानी का दम पूरा हो चुका है, अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। ये हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है। इसमें हमने आपको नज़र आ रहा होगा चिप्स भी फ्रेंच फ्राइज भी डाले थे, और ये बहुत बेहतरीन किस्म की बिरयानी तैयार हो गई। अगर आपको पसंद आए तो आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत टेस्टी बनती है। इसे हम चिप्स वाली बिरयानी कहते हैं। थैंक यू वॉचिंग।